सोच पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गैस, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रहेगी। सो इन केस गैस, अगर आपके पास है मारुति सुजुकी की वितारा ब्रेजा, तो गैस आज की जो वीडियो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज हम जो है आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे जो है आप आपकी गाड़ी को बेस टू टॉप कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड गैस यहाँ पे आज एक नहीं, यहाँ पे तीन तीन वितारा ब्रेजा जो है मॉडिफाई होने वाली है। मर्सिडीज स्टाइल जो है इसमें सीट्स लगी हुई हैं एंड बहुत सारी चीज़ें, अगर एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल में किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड गैस मैं भिवानी आया हुआ, आपको दिख रहा होगा पीछे घर है, तो हाल फिलहाल मैं भिवानी आया हुआ हूँ और अभी है मनाली जाने का प्लान। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताया, अगर आपको मेरी मनाली की भी वीडियोस देखनी हो तो मैं वो जरूर डालूंगा, जो अपने रेट से ही जाने वाला हूँ मैं गाड़ी में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। सो गाइज, अपने पास आज जो गाड़ी है वो वितारा ब्रेजा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है। तो पहले विशु भाई से पूछ लेता हूँ, विशु भाई क्या क्या हो रखा है इस गाड़ी में? इसमें आगे एलईडी लगाया है, ठीक है, पीछे अपना स्टीयरिंग माउंटेड बटन और फ्लोरिंग भी करी गई है। और इसमें तो एलईडी कौन से लगाए गए? इनमें लगाए गए हेडलैम्प्स में। सो गाइस बेसिकली हेडलैम्प्स में जो है एलईडीज लगाए गए हैं, उनकी अब मैं आपको थोड़ी देर में जो है रिस्पांस दिखा दूंगा कैसा कुछ है। अभी यहाँ पे विशु भैया लगाने लग रहे हैं, जब तक हम लोग जो है गाड़ी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं एक बार आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। गाइस बेसिकली तो इधर जैसे हम लोग आते हैं गाड़ी में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो है गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगाए गए हैं। अभी मैं एक बार सो गाइस देख सकते हैं कि गाड़ी में जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगाए गए हैं। गाड़ी में बाय डिफॉल्ट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पे जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की इंस्टॉलेशन करी गई है। उसके बाद जो गाइस है यहाँ पे हम लोग सीट कवर्स की बात करें तो सीट कवर्स भी जो है गाड़ी में लगाए गए हैं। ऐसे कुछ हैं जो वितारा ब्रेजा के सीट कवर्स रहने वाले हैं। यहाँ से आपको पूरा अंदाजा लग रहा होगा कि सीट कवर्स कुछ ऐसे लगाए गए हैं गाड़ी में, और यहाँ पे क्योंकि अभी काम हो रहा था तो इसलिए वायर वूज रखे हुए हैं सारे। तो श्रीराम जी बताएंगे, श्रीराम जी कौन से सीट कवर्स लगे हैं इसमें? रिपोज लेदर, हाँ जी। सो गाइज इसमें रिपोज लेदर लगाया है हमने, जैसे कि हर बार हम लोग बताते हैं कि रिपोज लेदर की इंस्टॉलेशन करवाते हैं। उसी के बाद गाइज अगर मैं आपको थोड़ा नीचे का दिखाऊं कि गाड़ी में और क्या काम हो रखा है, तो यहाँ पे हम लोग फ्लोरिंग कर रखी है हमने गाड़ी में, देख सकते हैं कि फ्लोरिंग कितनी अमेजिंग हुई हुई है गाड़ी में। सो बेसिकली गाइज फ्लोरिंग का मेन फायदा ये होता है कि जब आपकी गाड़ी में अगर कुछ पानी वानी पड़ जाए तो आपकी गाड़ी में नुकसान नहीं होगा, और जो नीचे का कारपेट होता है वो भी गंदा नहीं होता अगर आपने आपकी गाड़ी में फ्लोरिंग करवा रखी हो। जितना भी रेत वेत है वो सारा का सारा जो है आपके सिर्फ और सिर्फ इस फ्लोरिंग पे रह जाता है। तो ऐसे ही जो फ्लोरिंग है गाइस वो पूरी गाड़ी में करी गई है, यहाँ से पीछे से लेके आगे तक करी गई है। सीट कवर्स में अगर आपको दिखाऊं तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि सीट कवर्स जो है गाड़ी में कुछ ऐसे लगाए गए हैं। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं फ्लोरिंग दिखाऊं आपको, तो आप फ्लोरिंग देख सकते हैं कि कुछ ऐसी फ्लोरिंग है करी गई है। अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अंदाजा लग रहा होगा, तो गाइस इधर से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि ऐसी कुछ फ्लोरिंग करी गई। और इधर की बात करूं तो पीछे सीट कवर्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं गाइस, इधर हमारे सीट कवर्स कुछ ऐसे हैं गाइस, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा बढ़िया है। अब वहां पे मैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करूं तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है गाड़ी में लगाए गए हैं। ऑन करने के बाद मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग केवल, तो यहां पे अब जैसे ही ये स्टीरियो ऑन हो जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है अभी, लेकिन मेरे को आपको रिस्पांस दिखाना है। ये देख सकते हैं माइनस कर रहा हूँ तो वॉल्यूम वहाँ पे माइनस हो रही है, यहाँ से प्लस हो रही है। इधर की बात करूँ तो यहाँ तो ऐसा कुछ रहने वाला है गाइज अपना यहाँ पे। एंड वहीं पे अगर मैं एलईडी की बात करूँ तो आगे का मैं रिस्पांस दिखाता हूँ आपको कैसा कुछ रिस्पांस जो है। सो गाइज मैं यहाँ पे अब आपको रिस्पांस दिखाता हूँ कि रिस्पांस कैसा कुछ है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग रहा होगा रोशनी का, तो ऐसी कुछ रोशनी है एलईडी की जो इंस्टॉलेशन हुई उसके बाद हुई है। पीछे कौन सी एलईडी लगाई गई है इसमें? क्रिस्टल आई। इसमें क्रिस्टल आई की इंस्टॉलेशन करी गई है। वारंटी वगैरह के बारे में सब कुछ मैं आपको बाद में बता दूंगा कितना कुछ है जो है। और यहाँ पे शायद ये भी व्हाइट करवा रहे हैं ना। सो गाइस अंदर की जो लाइट है वो भी व्हाइट करी जा रही है। जब तक मैं आपको बाहर का रिस्पांस दिखा दूं गाड़ी का कि बाहर से जो गाड़ी है वो कैसी लग रही है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार अब बात करेंगे। इधर से आप देख सकते हैं ऐसा कि ये कुछ रिस्पांस रहने वाला है जो अपनी क्रिस्टल आई एलईडी है। बहुत ही ज्यादा ब्राइट है मस्त से, बट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होते तो और ज्यादा बढ़िया लगते। यहाँ पे है भाई ने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं लगवाए, सिर्फ इसमें क्रिस्टल आई की जो है एलईडी इंस्टॉल करवाई है। और उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ऐसा कुछ है रिस्पांस रहने वाला है। यहाँ तक जो है आराम से पूरी आ रही है, मेरे इधर से बात करूं तो यहाँ तक जो है बढ़िया से आ रही है गाइस। और इधर की बात करूं तो इधर भी सेम यही लगाई गई है। सो गाइस यहाँ पे भी सेम यही क्रिस्टल आई की जो है एलईडी लगाई गई है। तो गाइस बेसिकली अगर मैं फॉग लैंप्स की बात करूँ तो फॉग लैंप्स में भी यहाँ पे जो है व्हाइट एलईडी इंस्टॉल करी गई है।
रिस्पॉन्स काफी ज्यादा बढ़िया आ रहा है इसके सामने, जो अगर मैं बताऊँ मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं सही से, बहुत ज्यादा ब्राइट है यहाँ से, आपको पूरा अंदाजा लग रहा होगा कितनी ज्यादा ब्राइट है जो अगर आगे तक मैं बात करूँ। सो गाइस वहाँ पे मैंने आपको वितारा ब्रेजर तो दिखा दी थी कि कैसी कुछ है वितारा ब्रेजर में, जो मॉडिफिकेशन चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पे जो है इस क्रेटा में टेल लैंप्स इंस्टॉल करे गए हैं, इसका मैं आपको एक बार जला के दिखा दूंगा आउटपुट कैसा आ रहा है, टेल लैंप्स कैसे लग रहे हैं यहाँ पे। और वहीं पे उस तरफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही टेल लैंप्स लगाए गए हैं। टेल लैंप्स की बात करें आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू है, क्योंकि जो यहाँ पे है इसमें ऊपर एकदम पॉलिथीन चिपकी हुई है वैसी की वैसी एज इट इज। तो यहाँ पे टेल लैंप्स कुछ ऐसे हैं, जला के मैं आपको दिखाता हूँ। भाई एक बार टेल लैंप्स लगाने से टेल लैंप्स एक मिनट कर दे, सो गाइस मैं आपको टेल लैंप्स का रिस्पांस दिखाता हूँ। तो ऐसे कुछ हैं जो टेल लैंप्स रहने वाले हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं नो डाउट। और वहीं पे मैं उस तरफ की भी बात करूँ गाइस, सो गाइस वहीं पे मैं इस तरफ की बात करूँ तो ऐसे कुछ ये रहने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर गाइस हम दूसरी इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम दूसरी इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स इसमें इंस्टॉल करे गए जिसमें अगर हम लोग ब्रेक लगाते हैं थोड़े ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, अभी इतना ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस ऐसा कुछ जो है वो रैप करा गया है, कई लोग जो होते हैं बहुत ढीले रैप कर देते हैं बट उसमें मजा नहीं आता है, यहाँ पे जो रैप है काफी ज्यादा अमेजिंग है नो डाउट। तो गाइस क्रेटा में ये कुछ था आपने देखा होगा जिसमें हमने दिखाया कि यहाँ से ये है, और वहीं पे मैं एक बार पीछे वापस जाके दिखा दूं कि और क्या कुछ हुआ हुआ है गाड़ी में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग वापस अगेन बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपके टेल लैंप्स इंस्टॉल करे गए हैं आफ्टर मार्केट, और उसके बाद अगर मैं गाइस बात करूँ नीचे तो नीचे के जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं, तो ऐसे कुछ है गाइस ये। सो गाइस साथ ही साथ आज एक दूसरी क्रेटा और आई हुई है यहाँ पे, आज चार गाड़ियों के मॉडिफिकेशंस बैक टू बैक हो रही है राखास करोल बाग पे। तो भैया यहाँ पे, भैया कहाँ से आए हो आप? आरकेपुरम से हैं। तो गाइस भैया की ही गाड़ी है, एंड अब मैं एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाता हूँ कि क्या कुछ काम हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीट कवर से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं सीट कवर्स जो है कितने ज्यादा अमेजिंग है नो डाउट, एंड सीट कवर्स भी यहीं पे ही लगाए गए हैं भैया की जो गाड़ी है उसमें। और उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं कि सीट कवर्स जो है ऐसे कुछ रहने वाले हैं, फिनिश जो है काफी ज्यादा अमेजिंग है नो डाउट, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है सनग्लास होल्डर की इंस्टॉलेशन होनी बाकी है तो वो भी होने वाली है गाइस, उसके बाद दिखा दूंगा आपको कैसा कुछ है। यहाँ पे हम लोग स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो दो काम जो मेन स्टीयरिंग में करे गए गाइस, स्टीयरिंग रैप करा गया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो स्टीयरिंग रैप है ये काफी अद्भुत है, काफी अमेजिंग है नो डाउट। बीच में यहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई है, बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो बढ़िया है डिस्प्ले है, कोई किसी तरह का लैग नहीं है गाइस, किसी तरह का हैंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस फ्रंट की बात करूं तो आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर जो है HID लगाई गई है, HID एक बार मैं चला के दिखा दूंगा, नीचे जो है यहाँ पे फॉग लैंप्स जो है इनमें LED की इंस्टॉलेशन करी गई है, काफी ज्यादा ब्राइट है नो डाउट, काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ से अगर मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाऊं तो इधर से आपको रिस्पॉन्स दिख जाएगा कि रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है, एंड काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। इसमें एक बार गाड़ी ऑन भी करके दिखा देता हूँ आपको, तो अब HID चूंकि जल चुकी है यहाँ पे, HID ऑन हो चुकी है तो उसको थोड़ी देर लगती है ब्राइट होने में, बट स्टिल जो है काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है नो डाउट। सो गाइस जो मैं क्रेटा की आपको बता रहा था वहाँ पे आप देख सकते हो वो क्रेटा खड़ी है, तो बेसिकली उसमें ये रूफ लाइट्स लगने वाली हैं, एंड साथ ही सनग्लास होल्डर भी है यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा कुछ है जो सनग्लास होल्डर रहता है अपना यहाँ पे, और पूरा खुल जाएगा गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ है जो सनग्लास होल्डर रहता है यहाँ पे, जेन्युइन है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से देख सकते हैं यहाँ से पीछे से कि यहाँ पे किया की बैजिंग है विद हुंडई, उसका मतलब है कि जेन्युइन पार्ट, और यहाँ पे आप QR कोड भी देख सकते हैं गाइस, ऐसा कुछ रहने वाला है यहाँ पे ये, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब जो है क्रेटा में लगेगा, और यहाँ पे वितारा है वो भी तैयार हो रही है गाइस, उसकी वीडियो भी बाद में मैं कवर करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रहने वाला है अपना जो यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे एक और वितारा ब्रेजा आई हुई आज अपने पास, एंड बेसिकली इसमें जो काम हो रहा है आप देख सकते हैं सीट कवर्स हैं, कितने ज्यादा अमेजिंग सीट कवर्स लगे हुए गाइस, आई मस्ट से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सीट कवर्स लगे हुए इस गाड़ी में। उसके बाद यहाँ पे सीट कवर्स की बात करें तो इधर आप देख सकते हैं कितने ज्यादा अमेजिंग जो है सीट कवर्स लगे हुए। यहाँ पे अगर बीच में दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्मार्ट सोनिक का अगेन जो है यहाँ पे स्टीरियो लगाया हुआ है, होम बटन दबा के दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ रहने वाला है अपना जो ये स्टीरियो है, ऐसा कुछ रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे गाइस एम्प की इंस्टॉलेशन करी गई है, पे आप देख सकते हैं एम्प है, अभी इसको सेट करा जाएगा। कंपोनेंट्स की बात करूं तो गाइस इसमें इन्फिनिटी के कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, यहाँ पे साइड में स्कफ प्लेट देख सकते हैं ब्रेजा करके, उसमें बैजिंग मिलती है आपको गाइस, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। उसके बाद मैं गाइस पीछे की बात करूं तो पीछे भी जो है सेम यहाँ पे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं इन्फिनिटी के ही, एंड सीट कवर्स का अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से आप सीट कवर्स देख सकते हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग जो है इसमें सीट कवर्स हैं। उसके बाद गाइस ये जो आर्मरेस्ट है ये देख सकते हैं आप बीच में, आर्मरेस्ट की इंस्टॉलेशन भी करी हुई है जो कि एडजस्टेबल है, यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये आर्मरेस्ट जो है एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है, आगे पीछे आप आराम से कर सकते हैं, तो गाइस ये भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा नो डाउट। यहाँ पे जो है बीच में भाई इसमें व्हाइट लाइट लगवाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा गाइस बाद में। उसके बाद गाइस अगर मैं पीछे की बात करूं तो
पीछे जो है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे कुछ रिफ्लेक्टर्स हैं जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और काम जो हो रहा है सारा राखास पे हो रहा है, मैं आपको बता दूँ राखास पे सारा ये काम हो रहा है। मैं गाइस एक बार आपको गाड़ी खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है 1200 वॉट की आपको JBL का एनक्लोजर मिल जाता है। सेम ये जो है मेरी गाड़ी में भी इंस्टॉल हुआ है, रिट्स में अगर आपने देखा होगा तो। सो सेम यही हुआ था, और जो पिछला यहाँ पे स्टीरियो रखा हुआ ऐसा कुछ रहने वाला है। उसके बाद गाइस अगर मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँ आपको, तो गाइस अंदर से आप देख सकते हैं कि ये स्टीरियो जो है यहाँ पर सेम स्मार्ट सोनी का स्टीरियो है। मेरी गाड़ी में भी सेम ऐसे लगा, बट उसकी स्क्रीन साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। और उसके बाद गाइस अगर मैं यहाँ पे लेदर रैप की बात करूँ, जो स्टीयरिंग पे करा गया तो काफी ज्यादा बढ़िया है वो लेदर रैप करा गया, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। देख सकते हैं आपकी स्टिचिंग जो है बहुत ही अमेजिंग करी गई है गाइस आई मस्ट से, कि वन ऑफ द बेस्ट सीट कवर्स जो है आज तक जो मैंने किसी गाड़ी में देखे, बिकॉज बहुत ही ज्यादा टाइट है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। स्टिचिंग भी एकदम प्रॉपर करी गई है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और सो गाइस इसमें जो है अगेन नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि इधर जो है आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ से दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी वर्क कर रहे हैं। उसके बाद गाइस मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो है फ्लोरिंग भी करी गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ्लोरिंग भी गाड़ी में प्रॉपर एकदम करी गई है, काफी ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट चीज की जो इंस्टॉलेशन हो रही है गाड़ी में, नेक्स्ट चीज की जो गाइस गाड़ी में इंस्टॉलेशन हो रही है, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है DRLs इसमें लगाए जाएंगे, आगे फॉग लैंप हाउसिंग में जो है DRLs लगाए जाएंगे। तो ये लगने के बाद आपको दिखा दूंगा गाड़ी कैसी कुछ लग रही है। एज ऑफ नाउ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टॉक कंडीशन में यहाँ पे जो है DRLs विद फॉग लैंप लगाए जाएंगे। सो गाइस भाई ये थे क्रेटा वाले, इनकी आपने गाड़ी देखी ली होगी ऑलरेडी। भाई नाम बताइए अपना। सो गाइस भाई का नाम मनीष है। तो आपको कैसा लगा भैया काम ओवरऑल, ये बताइए मेरे को। काफी ज्यादा बढ़िया लगा, तो सेटिस्फाइड हो ना काम से। सो गाइस भाई की ही ये वितारा है, यहाँ पे VXI वेरिएंट है, इन्हें इसको यहाँ पे ZXI बनवा लिया है ना, VDI है सॉरी। सो गाइस ये VDI है ना, ZDI प्लस भी बोलेंगे तो भी कम नहीं है, बिकॉज एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है उन्हीं की कमी रहेगी, तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी इंस्टॉल करवा लीजिएगा भाई। और भाई ने जो है अलॉयज भी कंपनी फिटेड ही लगवा रखे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, अपनी अपनी चॉइस होती है। आपने बाहर से क्यों नहीं लगवाए? माइलेज नहीं देती, 25 की, तो चलिए बहुत बढ़िया। सो गाइस भाई ने जो है स्टॉक कंडीशन में ही गाड़ी एकदम रख रखी है, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ काम है। एंड इसके बाद अब जो ये हो जाएगा उसके बाद भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसा कुछ रहने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट जो इंस्टॉलेशन, और आप देख सकते हैं क्रोम जो है यहाँ पे क्रोम लग रहा है, एंड इसी तरह जो है सारों में क्रोम लगाया जाएगा। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसका। सो गाइस ऐसे है जो कुछ क्रोम लगाने वाले हैं, एंड उसके बाद गाड़ी जो है कुछ ऐसी लगती है गाइस, आपको दिख रहा होगा। और इसी तरह जो है प्राइमर के थ्रू और 3MB जो पीछे टेप है उसके थ्रू चारों पांचों जितनी भी ग्रिल्स हैं उन पर लगाया जाएगा ये पूरा। सो गाइस ऐसी कुछ जो है क्रोम की इंस्टॉलेशन होने के बाद अपनी जो गाड़ी है आगे से लगती है। मैं इधर से अगर आपको लुक्स दिखाऊं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऐसी कुछ जो है वितारा ब्रेजा जो है अपनी VDI लगती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो है DRLs की इंस्टॉलेशन होने वाली है, तो गाइस ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये मैट्रिक्स स्टाइल में रहने वाली है, जिसका मतलब कि जिस तरफ का आप इंडिकेटर देंगे उसी के साथ साथ ये वर्क करेगा। मैं इंडिकेटर्स के साथ भी आपको दिखा दूंगा एज ऑफ नाउ। एंड दूसरा इसमें अपग्रेड अगर आप चाहते हो तो आप ये करवा सकते हैं कि इनके जो अंदर के बल्ब्स हैं वो व्हाइट करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, LED लगवानी है, HID लगवानी है, एंड ऊपर के बल्ब्स हैं वो भी चेंज करवा सकते हैं। तो गाइस ऐसे कुछ हैं रहने वाले, मैं उसी तरफ का साथ साथ आपको दिखाऊं तो इधर का भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऐसा कुछ है जो यहाँ पे अपने DRLs की सॉल्यूशन हुई है। तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे हिसाब से पूछा है तो। और एक बार सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ मैट्रिक्स वाला रहने वाला है, चूंकि हमने यहाँ पे पार्किंग लाइट्स लगाई है, हैजार्ड लाइट्स भी जलवाई है, उसकी वजह से आपको थोड़ा ब्लिंक होते दिखेगा। जैसे ये मैट्रिक्स में होगा तो इंडिकेटर्स के साथ ये काम करेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें भाई की गाड़ी का नंबर ये है, और उसी के बाद अगर इस तरफ की बात करें तो सेम ऐसा ही कुछ रहने वाला है। तो गाइस मुझसे पूछा है तो काफी ज्यादा बढ़िया काम है, सारी जो चीजें हुई हैं। अगेन मैं बात करूंगा यहाँ पे तो सारा जो काम हुआ राखास पे हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर। तो सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा आज की जो वीडियो, उसमें मैं आपको दिखाया था कि कैसे है आप आपकी गाड़ी को बेस टू टॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारा काम जो है राखास पे हुआ है करोल बाग में, एंड आप भी खुद करवा सकते हैं आपकी गाड़ी में जाके गाइस। तो क्रेटा में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉडिफाई कराई, कितने कुछ में हुआ, तो प्राइस वाइज सब आप राखा भैया से पूछ सकते हैं करोल बाग में। लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, बाकी नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उनसे आप पूछ सकते हैं आपकी गाड़ी के बारे में, चाहे कोई भी गाड़ी आप मॉडिफाई करवा सकते हैं विदाउट वारंटी वाइड वे। एनीवेज गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद का थोड़ा पसंद आई, पसंद है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। बाय बाय एंड थैंक्स।